कश्मीर प्रीमियर लीग और बीसीसीआई के लेके विवाद चल रहा है। कई दिग्गज जो इसमें भाग लेना चाहते हैं उनका कहना है कि भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की तरफ से उन्हें लगातार चेतावनी मिल रही है कि कोई भी विदेशी खिलाड़ी इसमें शामिल ना हो। इसका मुख्य कारण है पाकिस्तान के साथ राजनीतिक विवाद। इसी क्रम में अब साउथ अफ्रीका के पूर्व बल्लेबाज हर्षल गिब्स ने कहा कि बीसीसीआई के सेक्रेटरी जय शाह ने साउथ अफ्रीका के पूर्व कप्तान ग्रेम स्मिथ के जरिए उन्हें कश्मीर लीग न खेलने का संदेश भिजवाया है। इससे पहले गिब्स ने ट्विटर पर ट्वीट करते हुए पूर्व अफ्रीकी बल्लेबाज ने लिखा, बीसीसीआई पाकिस्तान के साथ अपने राजनीतिक मुद्दों को देखते हुए मुझे केपीएल में खेलने से रोक रही है। इसके अलावा मुझे धमकी भी दे रही है, अगर मैंने उस लीग में हिस्सा लिया तो मुझे भारत में किसी भी क्रिकेट से जुड़े काम के लिए घुसने नहीं देंगे। गिब्स से पहले पाकिस्तान के पूर्व विकेटकीपर बल्लेबाज राशिद लतीफ ने भी बीसीसीआई पे ऐसे आरोप लगाए हैं कि बीसीसीआई दूसरे खिलाड़ियों को ये चेतावनी दे रही है कि कोई भी इस लीग में न खेले। इस लीग में तिलक रत्न, दिलशान मैकब्रायर और मोंटी पेनेसर जैसे खिलाड़ी खेलते हुए दिखेंगे।